दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हो उसने सौत का। असल में बात यह है कि हम शायद ही एक तबीयत रही हो, अब किसी ने विसाल को किसी ने हिजर को बेहतर जाना, अब अगर देखा जाए तो विसाल और हिजर कुछ नहीं है, बस कैफियत का नाम है कि जो दूर हो गया उसको हिजर हो गया, जो करीब हुआ उसको विसाल हो गया, बस। वरना इसकी कोई हकीकत नहीं है विसाल और हिजर की, क्योंकि वो दूर कहाँ है और वो करीब कब था, अपनी अपनी समझ की बात है ना हर आदमी की, जो जिस कैफियत में होता है। आम आदमी जो उसको आम सेंसेस से लेकर तो खास खास वो अपने खास तबीयत को कैफियत में, देखो हिजर जो है अगर देखा जाए तो दो हालतों में है, या तो हालत गफलत की हो या मदहोशी की। अब काफिर भी तो गाफिल है ना, और हिजर में दूरी है, एक मदहोश होके हिजर में चला जाता है, यानी कि जो अपनी हस्ती को फरामोश कर दे, यानी कि अगर दूसरे लफ्जों में देखा जाए तो हिजर फना का नाम है और विसाल बका का नाम है, और वही कामयाब है कि जो हिजर से विसाल में आया। अब जो बुजुर्ग शोराह थे उन्होंने जिस चीज को हिजर का नाम दिया वो जज्ब की कैफियत थी, हालत सहू और सकर। अब किसी ने हालत सकर को अच्छा जाना, किसी ने हालत सहू को अच्छा जाना। हजरत जुनैद बगदादी और उनके पैरोकार जो थे उनके मजहब के मुताबिक सहू अच्छी चीज है। हजरत बायज मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो थे और उनके जो पैरों हैं वो हालत सकर को अच्छा जानते हैं, और हालत सकर की वजह से ही उनको जो है आशिक का खिताब मिला, और हालत सहू की वजह से ही हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को महबूबियत मिली। तो अब मुख्तलिफ मजाहिब में मुख्तलिफ जो हैं वो क्या अकीदे थे अपने, शादिया सिलसिले का जो उसलूब है वो तो सहू है अगर देखा जाए, और कादरिया सिलसिले का भी उसलूब सहू है, लेकिन चिश्तिया खानदान हालत सकर को बेहतर जानता है। अच्छा नक्शबंदी है क्योंकि इनके इमाम बायजीद हैं और ये सहू को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हजरत बाहुलक नक्शबंद के बाद इनके उसमें तब्दीली आ गई, और सबसे ज्यादा तब्दीली जब आई जब हजरत मुजद्दिद लफसानी तक सिलसिला आया,
अब मुजद्दिद अलफसानी नक्शबंदी और अबुल उलाई नक्शबंदी, अब अबुल उलाई नक्शबंदी जो है वो हालत सकर को अच्छा जानते हैं क्योंकि उनपे चिश्ती नस्बत गालिब है, इनपे नक्शबंद नस्बत गालिब थी। आप लिखते हैं ना खत अपने बाकी बिल्ला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को कि हजरत मैं इस कैफियत में आ गया हूँ कि अब सहू व सकर यानी कि हालत हिजर और विसाल एक जैसी हो गई है। तो आपने जवाब में लिखा कि यह हालत कैफियत से हम भी नहीं गुजरे। तो फिर जवाब नहीं लिखा आपने इसका, अब ये कैफियत कब होती है ऐसी कि ना बिस्ल दे ना फराग रहे। इसलिए बिस्ल और फराग दो चीजों का नाम है, बिस्ल के लिए भी दूसरा चाहिए और फराग के लिए भी दूसरा चाहिए, और जब दुई गुम हो जाए तो ना बिस्ल रह जाता है ना फराग रह जाता है। अच्छा मजे की बात यह है कि अहले अरब का जो इश्क है उसमें मौजू औरत रही है, और अहले अजम का जो इश्क है खासतौर पे अहले हिंद का, इसमें महबूब जो है वो मर्द रहा है। वहां मर्द तालिब है, यहाँ औरत तालिब है। आप जितनी शायरी देख लें वो जितनी उनकी इश्क शायरी है, हाँ, और इनकी जितनी शायरी है मोहनस के सीने शायर कोई भी हो लेकिन वो औरत बन के लिखे, हाँ, औरत बन के लिखेगा जाऊंगी बन के जो हाँ ऐसी नहीं 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 चिश्ती सिलसिला ख्वाजा में चिश्ती से नहीं चला, चिश्तिया सिलसिला चला शेख अबू इसहाक शामी से। ये शाम से हिजरत करके ना चिश्त आए थे, चिश्त एक कस्बा है कहाँ थे ईरान में, इराक में, हाँ ये ईरान में, इराक में, इराक का एक कस्बा है चिश्त। तो ये शाम से हिजरत करके चिश्त आए थे, तो जो इनके पीरो मुर्शिद थे शेख अहमद नाम था शायद उनका, शेख अबू मौजूद था ऐसे कुछ नाम था, मेरे जहन से निकल गया उनका। तो उन्होंने इनको कहा कि तुम वापस कब जाओगे, तो इन्होंने कहा हुजूर अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, जो आप हुकुम करेंगे मैं वो करूंगा। तो आपने फरमाया कि फिर तुम चिश्त में रहो ताकि तुम चिश्ती कहलाओ। अब तुम शामी नहीं रहे, अब तुम चिश्ती हो गए। बस वो नाम ऐसा पड़ा चिश्ती आपका कि फिर आपके बाद जितने लोग आते रहे अपने नाम के साथ चिश्ती लगाते रहे। चिश्त कोई सिलसिला नहीं है, चिश्त एक कस्बे का नाम है, जैसे जीलान कोई सिलसिला नहीं है, एक कस्बे का नाम है। ये वादी जूद कहलाती है जिसमें जीलान है कस्बा,
जहाँ हजरत नूह अलैहि सलाम की किश्ती ठहरी थी, ये जूदी पहाड़। जूदी पहाड़ है, श्रीलंका में कहाँ? नहीं, इराक में ही है। आई ना समझ पर? अब ये सिलसिला इस तरीके से हुआ, लेकिन अबू इसहाक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके शेख ने उनको बशारत दी। उन्होंने कहा हम अहले चिश्त को क्या एक महबूब दिया है अल्लाह ताला ने, वो जो तुम्हारे खानदान में आएगा। अबू इसहाक चिश्ती से कहा था ये, तो जब इन ये समझे कि मैं हूं वो महबूब, लेकिन जो तबरुकात सरकार दो आलम के थे ना, उन्होंने कहा कि ये तबरुकात उससे बाद आगे नहीं बढ़ेंगे किसी के पैर भी, जो महबूब होगा उसकी निशानी ये होगी। तो जब इनका विसाल का वक्त करीब आया अबू इसहाक चिश्ती का, तो इन्होंने कहा कि इसको आगे बढ़ा दो, तो शेख मौदूद को दे दिया। इसी तरीके से वो शेख अहमद अब्दाल और बुजुर्ग इस तरह आते रहे और वो आगे बढ़ाते रहे। ख्वाजा उस्मान हारूनी पे वो आ गया, तो इनको भी हुक्म हुआ कि मुइनुद्दीन को दे दो। तो इनका कभी ख्याल ये था कि अहले चिश्त का महबूब मुइनुद्दीन है, लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए हुक्म हो गया कि आगे बढ़ा दो। जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने खिलाफत और इजाजत दी, तो दी थी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरफ से, लेकिन नेमत आपने अता की थी। तो उनका ख्याल ये था कि कुतुबुद्दीन है वो, फरीदुद्दीन है ये। और खैरियत कब आए? अच्छा, यह है। अब हुआ क्या कि जब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत मखदूम अलाउद्दीन को खिलाफत और इजाजत दे चुके और सबको दे चुके और तमाम मुरीदीन को खिलाफत और इजाजत हो गई, तो आप ये समझे कि ये महबूब चिश्त फरीद हैं, लेकिन हुक्म हुआ कि इसको आगे बढ़ा दो। अब आगे बढ़ेगा तो कौन, कोई था ही नहीं ऐसा, किसको आगे बढ़ाएंगे? तो निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से चल दिए और आप पाकिस्तान पहुंचे बैत होने के लिए। आपने देखा, ओहो, आपने कहा चिश्त का महबूब आ गया। जब आपने आपको खिलाफत और इजाजत दी, तो आपको जब खिलाफत नामा दिया तो सब खत से ना नूर के तौर पर एक नूरी लकीर अलिफ बना हुआ था उस खत पे, वो खिलाफत नामे पर। तो आपने फरमाया कि ये महबूब इलाही है। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का वक्त करीब आया, तो आपको हुक्म हो गया कि इसको आगे बढ़ा दो। अब जब ये हुक्म आ गया, तो आपने फिर हजरत महमूद नसीरुद्दीन चराग देहलवी को वो तमाम तबरुकात अता कर दिए। आपका मिसाल है, हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद वो तमाम तबरुकात हजरत नसीरुद्दीन चराग देहली रहमतुल्लाह अलैह के उसमें आ गए। जब आपका विसाल करीब आया, तो आपको हुक्म हुआ कि अपने साथ ले जाओ, फिर आपने आगे नहीं बढ़ाया, वो तबरुकात आपके साथ चले गए। अब इसमें चिश्ती का झगड़ा है। आज भी तमाम अहले चिश्त निजामुद्दीन महबूब इलाही को ही महबूब कहते हैं, वो महबूब जो अहले चिश्त में आना था। क्या? हाँ, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो हसल नसीरुद्दीन चराग देहली है वो। अच्छा, आप अहले चिश्त में 22 ख्वाजे, 22वें ख्वाजा हैं आप।
हजरत जिब्राइल को लगाते हैं तो हम, क्योंकि हजरत जिब्राइल भी एक ख्वाजगी रखते हैं। तो अगर हम हजरत जिब्राइल से ख्वाजगी लगाते हैं तो आप 22वें ख्वाजा हैं, और अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिले को लगाते हैं तो आप 21वें ख्वाजा हैं। ख्वाजा का मतलब हमारे सिलसिले में सुल्तानी बादशाहत। इक्कीस में खा जाए आप। अच्छा, हजरत शेख मौदूद फरमाते हैं कि 20वें के बाद महबूबियत है। अगर 20वें के बाद रहते हैं तो 21वें हजरत नसीरुद्दीन है। जहांगीर भी ऐसे कोई जहांगीर भी ऐसे लकब है, ये भी मकाम महबूबियत है। तीन मायने एक ही मायनों में आते हैं, सुल्तान, ख्वाजा और जहांगीर। जैसे हमारे सिलसिले में वो शाह मुखलिसुर्रहमान जहांगीर, उनके बाद उंगली के बाद सब जहांगीर ही हो गए, जहांगीर कोई नहीं आया। अच्छा, चिश्तिया खानदान में भी जहांगीर आए, जिनको लकब मिला वो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। होता है या कि आप मुरीदों के लिए तो अपना फिर जहांगीर होता है? नहीं, ये अलकाब गैबी है। जैसे कि एक वो सुन्नत रही है कि सरकार द्वारा अलकाब फरमाया करते थे, इसी तरीके से ये दरबार नबूवत से खिताब होता है, लकब हासिल होता है, और इसीलिए वो मशहूर होता है फिर जमाने में। जैसे मुहिद्दीन आलम ये सिलसिला चिश्तिया का हजरत जिब्राइल इस्लाम तक पहुँचा, ऐसे शाहजी को भी मैंने बात देखा तो वो लोग अपना सिलसिला हजरत जिब्राइल इस्लाम पर रब तक हो जाते हैं। सिलसिले का उसूल है, कायदा है ये सिलसिले का, इसलिए कि पहले ख्वाजा हजरत जिब्राइल क्यों कहलाते हैं कि आपने हजरत आदम को भी तालीम फरमाई दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म से, कि जो अल्लाह तबारक व ताला तालीम करते थे तो वो बराए रास्त नहीं होती थी, आई ना सर, वो बिलवास्ता होती थी, बिला वास्ता नहीं होती थी। तो बिलवास्ता में इसलिए हजरत जिब्राइल आते थे हिदायत लेकर और आप उन तक पहुंचाते थे, फिर वो आगे पहुंचाते थे। तो इसलिए ख्वाजगी जिब्राइल की जो है सनद के साथ है, तो इसलिए जो असूल सिलसिले का है और बेसिकली जो सिलसिला चलाते हैं और मानते हैं वो हजरत जिब्राइल को मानते हैं। नहीं, ये तो ऐसे है जैसे कि बुखारी शरीफ है उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना वजीर करा दिया कि मेरे दो वजीर जमीन पर हैं, दो आसमान पर हैं, उसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना वजीर करा दिया। ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है ना, आई ना समझ बात। अब सिलसिला जो इसलिए दिया आपने उनको कि आप पर सिलसिला मुकम्मल हो गया, आप सुल्तान हो गए, जब आप सुल्तान हो गए, आप बादशाह हो गए, तो अब दो वजीर उनके आसमानों में हो गए और दो जमीनों में हो गए, आई ना सुनने बात। लेकिन चूंकि आदम अलैहि सलाम से जो तसव्वुफ की इब्तिदा हुई वो ईसा तक मुकम्मल नहीं हुई,
वो सरकार दो आलम पर मुकम्मल हुई है उनके। अच्छा मदारिया खानदान में तो चारों फरिश्तों को लेते हैं, इस तरह शादरिया खानदान में चार फरिश्ते। आप फरमाते नहीं है कि हम 10 दरियाओं से, हज़रत शेख अब्दुल शादरी फरमाते हैं 10 दरियाओं से हम फैज लेते हैं, 5 आसमानी। रूह अकबर से मुराद जो है वो रूह है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मैं अपनी रूह फूंक दूंगा और तुम सजदे में गिर जाना। वो रूह अकबर है। और वही रूह आजम कहलाती है और वो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। अच्छा इसी तरीके से वो जो आयत में यहाँ पर भी मुराद लिया था। अच्छा आज मजे की बात ये है कि मलाइका के बाद वर रूह वाओ का बीच में सीगा आया है, तो वाओ जो है किसी को किसी से अलग करने के लिए होता है। हाँ वर रूह यानी कि अलग किया गया है उसको। अब औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि शबे कदर की रात में फरिश्ते और अरवाह अंबिया और औलिया दुनिया में आते हैं। और जो शबे कदर का नूर है वो नूर रूहे आजम का है, रूहे आजम निकलते ही होते हैं जो उसको देख ले उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, फिर वो गुमराह नहीं हो सकता। और उसका चेहरा इतना नूरानी हो जाता है कि आम आदमी की नजर नहीं ठहरती उसके ऊपर। उसके बारे में ये है कि हजरत शाह बदीउद्दीन कुतुबुल मजार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि आपने वो नूर 70 मरतबा देखा था, 70 शबे कदरों में आपने उस नूर की ज़ियारत की। अच्छा शबे कदर के बारे में ये है कि वो जैसे कि रमजान में ही है लेकिन वो तमाम साल में कभी भी हो सकती है, बिलखसूस उसका रमजान है लेकिन वो कभी भी हो सकती है, कोई भी रात हो सकती है क्योंकि ये रात घूमती है पूरे साल के सर्कल में है। और हमारी कमरी हिसाब से कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होता, कभी भी तब्दीली आती रहती है उसमें। इसीलिए हमारे यहाँ मौसम सर्दी गर्मी, कभी कब सर्दी किसी महीनों में होती है, कभी सर्दी किसी महीने में होती है, कभी गर्मी किसी महीनों में होती है, कभी लेकिन जो दूसरे महीने जैसे कि अंग्रेजी महीना है गर्मियों के महीने में ही गर्मी आएगी, सर्दियों के महीने में सर्दी आएगी, यानी मुतहरिक नहीं है ये महीने। सिर्फ हिजरी का सन जो है कमरी साल ये मुतहरिक है, यानी कि इसको जिंदा कहा गया कि ये जिंदा है। उसकी वजह यह थी कि आनी तो सरकार दो आलम पर ही थी और चूंकि बहैसियत नबी और रसूल आप जमीन पर मौजूद थे तो लिहाजा उतरनी तो आप ही पर थी।
आई ना सुनने बस, लेकिन क्योंकि आपकी ज़ात मुबारका हर वक्त में तमाम वक्त आलम में तमाम वक्त में आप एक साथ 18,000 आलम में मौजूद थे। आपकी जो हुजूरी थी वो कहते हैं कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि अजल से लेकर जब से आप का नूर वजूद में हुआ जब से लेकर और कयामत तक वो नूर जो है हुजूरी में ही है और वो हुजूरी में ही है। बहैसियत बशर जमीन पर वो नूर उस वक्त भी हुजूरी में ही था और आप बहैसियत बशर दुनिया में दुनिया के मामला निपटा रहे थे और दुनिया को हिदायत दे रहे थे लेकिन वो नूर हुजूरी में ही था। इसीलिए आपके जमीन पर होते हुए ही ये सूरत नाजिल हुई क्योंकि आप 18,000 आलम में मौजूद थे। शब-ए-दालों के लिए शब-ए-कदर है। सबसे ज्यादा पसंद शब-ए-दारी को क्यों किया गया? फकीरी का मगज शब-ए-कदर शब-ए-बेदारी है। तीन बातें अगर फकीर में नहीं हो तो वो कहते हैं फकीर नहीं है। ये एक शब-ए-बेदार हो जाना चाहिए, शब-ए-बेदार रहना चाहिए। पहली उसमें एक बात यह है। दूसरी बात बुजुर्ग कहते हैं कि अगर उसके पास एक दिन का सामान भी मौजूद है तो फिर वो फकीरी खत्म हो गई उसकी। ये कमाल दर्जे की फकीरी है। दूसरी बात यह है कि वो भूखा जरूर होना चाहिए, कभी वो शिकम सहर होके ना खाए ना शिकम सहर होके पानी पिए। एक जगह कहते हैं कि उसको खाने में लज्जत नहीं आनी चाहिए, अगर खाने में लज्जत आ गई तो इसका मतलब है इसका नफ्स जिंदा है भी। वो काम तो बड़ा खतरनाक काम है, मकसद ये कि मुश्किल काम है। जो आसान काम है हम उसी की तरह रहना चाहिए। ये मियां जो कहते हैं किल्लत काम किल्लत मनाम किल्लत कराम, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए कि फकीर की फे फना से है, अगर उसकी शहवत फना ना हो तो वो फकीर नहीं होता। अब बोलना भी शहवत है, सोना भी शहवत है और खाना भी शहवत है। अगर ये फना नहीं होती उसकी, इसीलिए कहते हैं उसको लज्जत नहीं आनी चाहिए खाने में। ये तीन सिर है। अच्छा मजे की बात ये है कि जब तक तुम भूखे नहीं रहते तुम्हें रूहानियत का जो है ना इल्का नहीं होगा। मियां साहब
चार साल तक उन्होंने उबले हुए चावल खिलवाए खा लिए। बोलते चावल पानी में डालो, और पता कौन सा वाला चावल? वो जोशी चावल कह रहा था, एक लाल वाला मोटा। आजकल वो परिंदे खाते हैं, तो वो कहते थे एक मुट्ठी चावल लो, वो पानी डाल के उबाल लो, पानी फेंक दो, चावल खा लो। अच्छा मैंने कहा मियाँ उसमें नमक डालना है नहीं डालना? वो कहते थे कमबख्त तुझे नमक की क्या काम तेरा। मैंने बोला लो तो वो खाया कैसे जाएगा? कहने लगे जब तक नहीं खाया जाएगा ना, जब ही तक तू गाफिल है, और जब खाने लगेगा ना फिर तो होश में आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा, अब वो भाई उबाल के, अब पहले दिन जब खाया तो मैं खाऊं अंदर, वो आए बाहर। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला बन गया, इसको खाना तो बड़ा मसला है। मैंने कहा मियाँ ये तो नहीं खाया जाता। तो कहने चलो भाग जाओ फिर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अरे मैंने कहा ये क्या बात हो गई? कहने लगे नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, खाओ खाओ, नहीं खाओ तुम्हारी मर्जी है, जाओ। अब मैंने अपने पी भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये खाया कैसे जाएगा? वो कहने लगे ये नहीं खाया जाता, तू खा क्यों रहा है इसको? मैंने कहा क्या मतलब भाई, क्यों नहीं खाया जाएगा ये? तो मियाँ ने खाया तो खाना तो पड़ेगा ना। तो कहने लगे मियाँ ने खाने को कहा ना, कहने लगा तो तू खा क्यों रहा है? तो फिर मैंने कहा भूखा मरूँ क्या? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर? कहने लगा इसको उठा निकल ले बस, खाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा याद उसको इतना उबाल दूँ कि वो मुट्ठी बनाओ और निकल लो। कहने लगा ऐसे ही कर, वो वैसे ही करते थे। वो निकलने के बाद में कुछ दिनों में तो बाहर आने लगा था। मैंने कहा यार तो बड़ा मुश्किल काम है। कह रहे पहले तो यही करना पड़ेगा, बाकी तो बाद की बात है। सोने के लिए मेरी वालदा, हमारी वालदा की मैंने ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा जब मुझे ढाई घंटे हो जाए ना सोते हो तो उठा देना। ढाई घंटे बाद उठा दी थी मैं। मियाँ साहब ने कहा था एक पहर सोना है तुमने। पहले चिल्ला विल्ला कुछ नहीं करता था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, ये तो खाली वो आदत डलवा रहे थे पहले तो। मुझसे कहने लगे तुम्हें 40 अल्फाज बोलने एक दिन में, तुम गिनती करो अपने अल्फाजों की और इसका काउंट कर लो कि एक बात में कितने अल्फाज होते हैं, तुम्हारी जरूरत की कितनी बातें हैं दिन भर की। मैंने कहा मियाँ फिर तो गूंगा ही होना पड़ेगा। कहने लगे पहले 40 पे आओ, फिर 70 पे आ जाओ, और 199 से आगे नहीं बढ़ना। कि दिन में 99 और बोलने लफ्ज बोलने तुमने बस, इससे ज्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हारा परहेज टूट जाएगा। इस तरीके से प्रैक्टिस कराई उन्होंने हमें। आज तो आदमी कह गई तो पीरी पागल हो गया। वो कहते थे तीन बातें जो है ना जब पैदा हो जाए ना फिर चौथी बात पे आओ। मैंने कहा चौथी बात क्या? कहने लगे जिक्र। अच्छा इसके बड़ा फायदा हुआ है। एक बात 15 दिन तो निहायत मुश्किल थे, निहायत ही मुश्किल थे। अब उसका फायदा मुझे आज ये हुआ है कि आज 30-35 साल हो गए, 80 से लगा लो तुम, आज कितने हो गए होंगे? 38 साल हो गए।
मैं आज भी 2 घंटे सोऊं काफी है मेरे लिए। कोई मसला नहीं होता, मैं 20-22 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे के लिए सो जाऊँ, फिर उठ जाऊँ, फिर अपने आराम में लग जाऊँ, कोई मसला नहीं। फायदा हुआ। आज भी हम खाना खाने के लिए, मुझे 1 टीस्पून होता है ना, है उतने सालन की जरूरत होती है, मैं सब्जी पूरी 1 रोटी खा लेता हूँ बनाने के साथ। फायदा हुआ उसका। और अगर मैं नहीं बोलना चाहूं तो मैं 2-3 दिन खामोश बैठा रहा हूं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। चश्मे फूट जाते हैं उसकी दुकान, बिल्कुल है हदीस। खामोश होने के तन्हाई के लिए, तन्हाई के लिए, कि जिसने अपने आप को अल्लाह ताला के लिए 40 दिन तक मखसूस कर दिया, अल्लाह उसके दिल से और जबान से हिकमत के चश्मे फोड़ देता है, जारी कर देता है। तो इस बातों का बड़ा फायदा होता है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है? ना तो जिक्र में परेशानी होती है, ना किसी किस्म का जहन भटकता है। अच्छा, कभी वसवसे भी बहुत कम हो जाते हैं फिर इस बात से। अच्छा, इल्का रूहानियत बहुत होने लगता है, जरा कुछ जिक्र करो फौरन ऐसा महसूस आमद शुरू हो जाती है। लेकिन ये कि अब चूंकि एक आदमी जो काम करने वाला आदमी है, बेचारा मजदूरी करने वाला आदमी है, वो तो मर जाएगा। अब हम तो बिल्कुल ही फालतू थे सुनो। सात साल मियां साहब ने बड़े सख्त प्रेस करवाए, 1.5-2 साल तो उन्होंने उस ख्वाजा मंजूर हुसैन साहब ने, और 5 साल तकरीबन उस्मान मियां ने। लेकिन वो तो बस देखो, एक बात बता दूं मैं, जिसके नसीब में जो होता है ना, वो राह पकड़ लेता है खुद ही। आई ना समझ लो, अब वो चूंकि हमारे घर का माहौल भी ऐसा था थोड़ा सा, हमारे वालिद जो थे खुद बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उन्हीं के हाथ पे बैठी हूँ। हाँ, तो इस तरीके से उनके एक खलीफा थे, शाह फारूक नाम था उनका, उनकी खिदमत में हमारे, उनको क्या नाम है, हजरत ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे वालिद से कहा था कि जाओ तुम और उनकी खिदमत में रहा करो, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि ये बुलंदशहर में थे, वो नागपुर में थे, तो शाह फारूक जो थे वो बुलंदशहर में थे, तो उन्होंने कहा बस जाओ तुम वहीं रहा करो उन्हीं के पास। तो जब तक वो हयात रहे, जो उनके साथ रहे, फिर कुछ अरसे हमारे वालिद एक हाफिज जी थे, नाबीना हाफिज जी, हिंदुस्तान में मशहूर आमिल थे वो हाफिज नाबीना, वो ऐसे आमिल थे हमारे वालिद बताते हैं कि उन्हें नजर नहीं आता था, लेकिन मस्जिद की गिनती बता रहे थे आज में भी कितने आए हैं। अगर कोई अंदर रह जाता ना, दरवाजा बंद करना, अरे नहीं 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 अभी बंद नहीं करना, अंदर है, उसको बाहर निकालो पहले फिर बंद करना। हमारे वालिद कहने लगे, एक दफा रात को कुएं में गिर गए हाफिज जी, जैसे ही गिरे वैसे बाहर आ गए। हाँ, अच्छा, कुएं में जाते ही है हाफिज जी, तो कभी कह रहे कुएं की चरखे नहीं चलाते थे पानी के लिए, देखते कुएं में कुएं का पानी ऊपर आ जाता, उससे अपना बर्तन भरा और आ गए। क्या नाम नाम उनका मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो हाफिज या हमारे वालिद उनका नाम नहीं लेते थे, हाफिज ही कहते थे, नाबीना हाफिज जी, और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे वो आमिल में, बड़े यानी कि जबरदस्त आमिल थे। आधा देवबंद उनका शागिर्द था,
देवबंद से लोग आते थे, क्योंकि वहाँ हमारे वालिद बताते थे कि जो बुलंदशहर था ना, वहाँ पर एक देवबंद के आलिम थे, उनका नाम बड़ा अच्छा था, मेरे जहन से निकल गया, तो उनके उनके मरासिम थे, कुछ ताल्लुकात थे, तो वो देवबंद से लोगों को बुलवाते थे उनका शागिरद करने के लिए कि हाफिज जी जरा इसको कुछ बता दो, हाफिज जी जरा इसको कुछ बता दो, तो वो कुछ चीज़ों की इजाज़त दे देते थे कि जाओ ये कर लो वो कर लो। अच्छा, वो ये कहते थे कि जब हाफिज जी तिलावत करते थे ना, तो बर्तन हवा में उड़ जाते थे, बड़े बड़े यानी कि कमाल के थे, लेकिन वो ये कहते थे मैं आमिल हूं। कहते हैं, हमारे वालिद बताते थे कि वो कहते थे कि मैं पूरे कुरान का आमिल हूं, जहां से जो पढ़ूंगा मैं उसका असर जाहिर होगा उस वक्त। तो उनकी खिदमत में रहे, तो इसलिए हमारे घर पे जो हमारा माहौल था ना घर का, वो एक किस्म का थोड़ा ऐसे ही था, बुजुर्गों को बड़ा मानने वाले थे, तो फिर उस वजह से सबसे पहला हमारे घर में एक बुजुर्ग आते थे, उनका नाम था बाबा अब्दुल समद, अल्लाह समद के आमिल थे वो, चिश्तिया सिलसिले से उनका ताल्लुक था। अच्छा, जब वो घर पे आते ना, तो दो बिल्ले आ जाते हैं उसके बाद घर में, बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्ले, वो बड़े मोटे मोटे। अच्छा, एक सफेद था एक काला था। अच्छा, वो उनकी चरपाई के ना सराने बैठे रहते दोनों, एक एक तरफ और एक एक तरफ। तो दो तीन चार बातें मैंने उनकी देखी। एक ये हुआ एक दिन, ये वो बैठे हुए थे, एक शख्स आया, वो कहने लगा मियाँ साहब मेरी जो है ना बीवी चली गई है और वो तलाक मांग रहे हैं और भेज नहीं रहे। हाँ, कहने लगा कमबख्त तू भी उसको तंग करता है। अब उन्होंने सारी उसकी खोल दी जो परेशान करता था। अब वो कहने लगा अच्छा मियाँ जी तुम मेरी बीवी को बुला दो, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा कुछ ऐसा। उन्होंने कहा देख तौबा कर रहा है ना तू। कहने लगे हाँ हाँ। कहने लगे अच्छा काम कर, पाँच सेर दूध ला और ढाई सेर जलेबी ला। अब वो पाँच सेर दूध और ढाई सेर जलेबी ले आया। कहने दो मट्टी के कुंडे ला, दो मट्टी के कुंडे लाया, धुलवाए मट्टी के कुंडे, बोले जलेबियाँ डाल दूध डाल दे। अब दो कुंडों में उन्होंने आधी आधी जलेबी और आधा आधा दूध डलवा के रख दिया। अब वही दो बिल्ले आए और वो सीधे कुंडे में। अब हम तो ये समझ रहे, मैंने कहा ये हम लोगों के लिए मंगवाई होगी, उन्होंने खाएंगे तो भीग जाएगी। तो अब वो खाने लगे बिल्ले, अरे मैंने उठाया डंडा, मैं भागा बिल्लों के पास, वो मुझसे कहने क्या कर रहा है तू। अरे मैंने कहा लो इन्होंने जलेबी मुंह डाल दी हो, वो तो कहने लगे इसी के लिए है, तू इनको क्यों मार रहा है, इधर आ जा, तू इस चक्कर में जाके तेरे लिए आई होंगी, चल मेरे पैर दबा। अच्छा पैर बहुत दबा से वो, मैं कहीं भी होता मुझे बुला दे, कहने बुलाओ उसको, क्या हुआ मैंने क्या करूँ मियाँ जी, कहने लगा तेरे पैर दबा मेरे आ जा। अरे तो मैंने तुम्हें और कोई नहीं मिलता पैर दबाने के लिए। कहने नहीं नहीं तू आ चल जल्दी से आ। तो मैं उनके छोटा था, मैं 11 साल तकरीबन, मैं 11 12 साल उम्र होगी उस वक्त। तो उन बिल्लों ने वो साफ कर लिया, बिल्कुल चाट चाट के पूरा कूड़े साफ कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, अब एक कहने लगे तुम खा पी के तो बैठ गए, काम भी तो कर दो उसका। अच्छा, एक बिल्ली ने बिल्ले की तरफ देखा तो वो काला बिल्ला तो उन्होंने छलांग मारी तो चला गया, थोड़ी देर के बाद वो आ गया। अब वो उन्होंने उसको बोला आदमी को कि भाई दोपहर को करके गया, उसको बोले शाम को आई हो तू। वो शाम को आया, उससे कहने तेरी बीवी आई नहीं अभी तक। उन्होंने कहा मियाँ जी मैं घर नहीं गया। बोले घर जाके थे बता फिर मुझे नहीं आई है तू। वो गया तो आया तो कहना अरे वो मिठाई विठाई लेकर आया कि मेरी बीवी आ गई। कहना सही है बेटा। ऐसे एक दो काम और मैंने देखे उनके, बस वो कहते दूध जलेबी लाओ। अब वो दूध जलेबी खिलवाते बिल्लों को,
और वो काम हो जाता। एक दिन रात को कोई 2:30 बजे का टाइम था, तो गर्मियों के दिन थे। अच्छा उस जमाने में लाइट वाइट तो थी नहीं, तो दरवाजे खोल के सोते थे हम। तो मेरी रात को आंख खुली, मैं उठा